बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आपकी पेमेंट होल्ड पे चली गई है जो आपने मंगवाई थी अपने पेपाल में, तो आप उसको किस तरह रिलीज़ करवा सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस इसका जो है वो सिखाऊंगा और आपको करके दिखाऊंगा कैसे रिलीज़ करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं $77 जो हैं इस टाइम होल्ड पे हैं, तो उनको किस तरह रिलीज़ करवाना है इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। वीडियो को पूरी देखना, स्किप नहीं करना। और मैं पेपाल डॉलर एक्सचेंज की सर्विस देता हूँ। अगर आपको पेपाल के डॉलर जैज़ कैश इसी पैसा में या फिर बैंक अकाउंट में चाहिए हो, विड्रॉ चाहिए हो, या फिर अपने पेपाल में, वाइज में, पेनर अकाउंट में डिपॉजिट करवाना हो किसी भी करेंसी में, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दो तरह के इशूज़ होते हैं। अगर आपकी पेमेंट 24 आवर्स के लिए होल्ड पर चली जाती है, तो सूरत में आपको वेट करना पड़ता है 24 घंटे का, और 24 घंटे के अंदर आपकी पेमेंट जो है वो कैंसिल हो जाती है। कैंसिल होने की सूरत में वो दोबारा जो जिसने सेंड की होती है उसको वापस मिल जाती है, या फिर अगर आपकी पेमेंट में कोई इशू नहीं है तो वो पेमेंट आपको पेपाल रिलीज़ कर देता है और आपके अवेलेबल बैलेंस में मिल जाती है। उसके बाद अगर आपका नया पेपाल है, तो उस सूरत में ये होता है कि पेमेंट जो आपको रिसीव होती है वो होल्ड पर चली जाती है 7 डेज़ के लिए, या फिर 1 डेज़ के लिए होल्ड पर चली जाती है, और आपको जो प्रोडक्ट आपने शिप किया है उसकी डिटेल एंटर करनी होती है, वहाँ पर प्रूफ देना होता है। उसके बाद जो है आपकी पेमेंट पेपाल जो है रिलीज़ कर देता है और आपके अवेलेबल बैलेंस में आ जाती है। तो मैं अपनी पेमेंट रिलीज़ करवा के दिखाता हूँ आपको। नीचे एक्टिविटी पेज पे जब आएंगे, यहाँ पे जो पेमेंट आपको रिसीव हुई है उस पर क्लिक करेंगे, तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दो बटन नज़र आ रहे होंगे, एक गेट योर मनी और दूसरा जो है वो है इशू रिफंड। रिफंड भी आप यहाँ से कर सकते हैं, तो वो पेमेंट पूरी उस बंदे को वापस मिल जाएगी। और क्योंकि मैंने पेमेंट मुझे चाहिए, तो मैं गेट योर मनी वाला जो बटन है इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट होंगे, यहाँ पे आपने अगर फिज़िकल कोई प्रोडक्ट शिप किया है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपने कोई ऑनलाइन वर्चुअल सर्विसेज कोई दी हैं तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन जो सर्विसेज दी हैं मैं यहाँ से सेलेक्ट करके और नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद जो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, कंप्लीट इन प्रोसेस और कैंसिल, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ कंप्लीटेड वाला जो है इसको मैं कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे कम्प्लीशन डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है, मैं आज की कर लेता हूँ कम्प्लीशन डेट। उसके बाद जो आपने यहाँ से सबमिट करना है, तो जिस बंदे ने आपको पेमेंट सेंड की थी वो बंदा अपना पेपाल लॉगिन करके वहाँ से कंफर्म करेगा। उसके बाद जो है पेपाल फ़ौरन आपकी जो पेमेंट है रिलीज़ कर देगा और आपके अवेलेबल बैलेंस में आ जाएगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह वो कंफर्म करेगा। तो उसके बाद जो है उस बंदे ने अपना जो स्क्रीन रिकॉर्ड भेजा उसमें अपना पेपर लॉगिन किया, और उसके बाद जो है एक्टिविटी पेज पे जो पेमेंट उसने सेंड की थी उस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आ गया। तो यहाँ पे उसने अपना जो कन्फर्म वाला नीचे लिंक नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करने के बाद वो यहाँ पर आ गया, और यहाँ से उसने कंटिन्यू किया है, तो इस तरह जो पेमेंट कन्फर्म होगी। आप देख सकते हैं अब मेरे पेपाल में मुझे $105 रिसीव हो गए, जो पेमेंट होल्ड पे थी वो अवेलेबल बैलेंस में आ गई है। तो इस तरह ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। अगर आपको पेपाल के डॉलर जैज़ कैश इसी पैसा में या फिर बैंक अकाउंट में चाहिए हो, विड्रॉ चाहिए हो, या फिर अपने पेपाल में, वाइज में, पेनर अकाउंट में डिपॉजिट करवाना हो किसी भी करेंसी में, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।